आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वावधान में सदगुरु माता सुदीशा जी महाराज व निरंकारी राजपिताजी के पावन कर कमलों द्वारा कला अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ यमुना नदी तट पर किया गया। इसके साथ ही सदगुरु माता जी के पावन आशीर्वाद से ये परियोजना समूचे भारतवर्ष के 1100 से अधिक स्थानों में विशाल रूप में एक साथ आयोजित की गई। बाबा हरदीप सिंह जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी के दिव्य निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत हिंगन घाट के वना नदी तट परिसर की सफाई की गई। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के मुखी महात्मा घनश्याम दास जी प्रमुख अतिथि के रूप में प्रेम बाबू बस्तानी पूर्व नगर अध्यक्ष पत्रकार संघ के अध्यक्ष किरण वैद्य वना नदी संवर्धन समिति के अध्यक्ष रुपेश राजुरकर उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि ने नदी तट परिसर की साफ सफाई अभियान को उम्दा कार्य बताया तथा निरंकारी मिशन के समर्पित सेवाओं की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन श्री बलराम मिहानी ने किया। संत निरंकारी मिशन के सेवा दल इंचार्ज किशोर जयस्वानी के मार्गदर्शन में इस अभियान को सफल बनाया गया। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।